राजधानी दिल्ली में देखिए ठंड और कोहरे की भारी मार पड़ रही है, क्योंकि सुबह से राजधानी कोहरे में लिपटी हुई है। धुंध गहरा है, कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम है, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। लेकिन दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें भी देर से चल रही हैं। इस बीच आपको यह भी बता दें, यात्रीगण परेशान है क्योंकि कोहरे की यह मार है। कोहरे और शीतलहर की चपेट में दिल्ली NCR का यह इलाका, हालांकि उत्तर भारत की बात कर लें तो यहां पर सर्दी का सितम तो अब काफी है, 9 डिग्री तक पारा लुढ़क चुका है। लेकिन इस बीच कोहरे ने और परेशानी बढ़ा दी, कई इलाकों में विजिबिलिटी कम है और 28 दिसंबर तक जारी रहेगी ये प्रचंड ठंड, मौसम विभाग का ये अनुमान और एक तरह से चेतावनी। वहीं देश के कई हिस्से इस वक्त शीतलहर की चपेट में हैं, कोहरे की चपेट में हैं। अब आपको हम 6 तस्वीरों को दिखा रहे हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों की हैं, राजधानी दिल्ली, चंडीगढ़, वाराणसी, हरिद्वार, पटना और अमृतसर। एक जैसी ही तस्वीर है, वो ये कि सुबह जब आपकी नींद खुलती है तो आप देखते हैं कि कोहरा काफी घना है। इसलिए आप सबसे भी हमारी अपील है, आज तक आप सभी लोगों से, सभी दर्शकों से अपील करता है कि आप भी कहीं अगर बाहर निकल रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ निकलें, क्योंकि कहीं ना कहीं खतरा काफी बढ़ जाता है। अब आपको 2 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, हिमांशु मिश्रा दिल्ली से जुड़ रहे हैं और साथ ही सत्येंद्र चौहान इस वक्त चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। हिमांशु, आप जहां पर मौजूद हैं, कोहरा आपको नजर आ रहा है, तापमान किस तरह से है और मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है आने वाले दिनों के लिए? आशुतोष, मैं इस वक्त अक्षरधाम के पास मौजूद हूं और टेम्परेचर तकरीबन 6 से 7 डिग्री के आसपास है जो इस वक्त है, और ये कह सकते हैं कि ये 24 घंटे का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो सुबह 6 से 7 बजे के आसपास था और वही इस वक्त तक बना हुआ है। आप देख सकते हैं चूंकि सुबह के 8 बज गए हैं इसलिए फॉग थोड़ा हल्का हो गया है, क्योंकि हवा भी चल रही है आशुतोष, एक तो बेहद ठंडी हवा चल रही है लेकिन हवा की वजह से फॉग थोड़ा हल्का हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अब चूंकि दिन निकलने का वक्त 8 बज रहे हैं इसलिए हल्का हल्का सूरज भी निकलना शुरू हुआ है, जिसकी वजह से फॉग तो हल्का हुआ है लेकिन ठंड में कोई कमी फिलहाल ठंड की कमी में नहीं है, ठंड में कोई कमी नहीं है। और जो शीतलहर चल रही है उसकी वजह से टेम्परेचर भले ही 6 से 7 डिग्री हो लेकिन ठंड उससे कहीं ज्यादा महसूस की जा रही है, और वजह है ये ठंडी हवाएं जो लगातार चल रही है। और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक इस मौसम में कोई खास परिवर्तन नहीं होने वाला, न तो टेम्परेचर में और न ही फॉग में, यानी सुबह के वक्त फॉग अभी पड़ता रहेगा। और चूंकि ये तो देखिए ये तो बिजी इलाका है, शहर का इलाका है, लेकिन जब आप शहर पार करते हैं, हाईवे पे पहुंचते हैं तो ये फॉग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और यही वजह है कि आप देखिए ट्रेनें, बहुत सारी ट्रेनें हैं जो लेट चल रही हैं। ठीक है हिमांशु, आप बने रहे हमारे साथ। अब हम चंडीगढ़ दर्शकों के लिए चलते हैं, वहां के हालात को बताते हैं। सत्येंद्र, आप जहां पर मौजूद हैं, क्या है मौसम का मिजाज चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों का, तापमान क्या है और फॉग की स्थिति क्या है, मौसम विभाग वहां के लिए क्या अलर्ट जारी किया है, लोगों को परेशानी हो रही होगी? देखिए आशुतोष, बिल्कुल सही कहा, सर्दी का सितम, कोहरे का कहर, ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं दिखाई देनी शुरू हो गई हैं। और दिलचस्प बात यह है कि मौसम में जो बदलाव हो रहा है उसका असर आप ये देखिए कि हिमाचल की राजधानी शिमला से पंजाब के शहर का तापमान, यानी कि पंजाब के 10 शहर ज्यादा ठंडे हैं, हिमाचल के 10 जिलों में तापमान -डिग्री पहुंच चुका है, तो वहीं अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है और बर्फबारी ना होने की वजह से मैदानी इलाकों में बारिश। सत्येंद्र, जानकारी के साथ साथ तस्वीरें भी दिखाते रहे, थोड़ा आसपास पड़ रही है और इस ठंड के। जी जी बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ में मैं इस समय मौजूद हूँ और चंडीगढ़ की तस्वीरें आपको दिखाऊं तो कोहरे की एक परत आपको खासी यहाँ पर दिखाई देती है, वाहन धीरे धीरे चल रहे हैं और जो वाहन चल भी रहे हैं तो उनको दिन में लाइट जलाकर इंडिकेटर देकर चलना पड़ रहा है। जो भी वाहन सड़क पर आपको दिखाई दे रहे हैं उन्होंने हेडलाइट जलाई हुई है, इसके अलावा इंडिकेटर जलाने पड़ रहे हैं। अगर पंजाब की बात करें तो अमृतसर, भटिंडा समेत कई शहर ऐसे हैं आशुतोष जहां पर फिलहाल 0 विजिबिलिटी है और तापमान लगातार 0 डिग्री की तरफ बढ़ रहा है। हिमाचल की बात करें तो जैसा मैंने बताया सूखी ठंड है, जिसकी वजह यह है कि बर्फबारी नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान यह है कि 25 से 26 दिसंबर यानी कि व्हाइट क्रिसमस देखने के लिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ये हालात अभी और बिगड़ेंगे और मौसम विभाग भी यही कह रहा है। आप दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद।